बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है 4.5, जिसका नाम है बेटे एनर्जी, ठीक है, एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसी का एक हिस्सा है। ठीक है बेटे, तो इस टॉपिक में आपको पता चलेगा एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बेटे आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया हो, लाइक चैप्टर 4 का कोई प्रीवियस टॉपिक, इससे चैप्टर 3 का कोई, चैप्टर 2 का या 1 का, तो आप बेटे 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई आपने कोई टॉपिक समझना है तो वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलें वीडियो को स्टार्ट। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनर्जी की डेफिनेशन बताओ बेटे कि एनर्जी है क्या। तो बेटा जी एनर्जी की ना एक डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, आप कह सकते हैं क्या, अबिलिटी टू डू वर्क, अबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत है उसे हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है बेटे, हाँ। अब बेटे आ जाती हैं इसकी टाइप्स, इसकी बेटे जी दो टाइप्स हैं, ठीक है, हाँ जी, बात करते हैं इसकी टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन काइनेटिक एनर्जी एंड वन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटे, इसका एक फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², इसका प्रूफ आप 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ आपने सिंपल डेफिनेशन याद करनी है अभी। तो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली बेटे इसका फार्मूला भी आप ड्राइव कर चुके हैं 9th क्लास में, यहाँ पे आप सिंपल याद करेंगे mgh। तो बेटे इसी तरह ना इसकी दो टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी की भी दो टाइप्स हैं, आप समझ लें, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटे आपको नाम से पता चल रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, इलास्टिक में, ठीक है ना, एक स्प्रिंग में। एनर्जी इसकी डेफिनेशन इसी तरह है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये भी डेफिनेशन इस तरह के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑफ अर्थ, ठीक है ना, एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, ऑफ अर्थ, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वैसे जो एनर्जी है, एट सम हाइट h, तो इस वेलोसिटी एनर्जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बेटे बात करते हैं एनर्जी का, एक यूनिट भी है, ठीक है ना, एनर्जी का जो यूनिट है बेटे वो है जूल, और एक इसके बारे में पूछा जाता है ये स्केलर है या वेक्टर है, ये भी बताएं ये कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है बेटा जी, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। ओके, हाँ जी, तो ये देखें पूरा लिखना है आपने तो स्मॉल लेटर्स में, अगर सिंगल लिखना है तो आप कैपिटल जे, और एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ओके बेटे, हाँ जी, अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपको मैंने बताया था इसी का एक पार्ट है, वो ये कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, व्हाट यू मीन बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आप बेटा जी ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना बेटे, इसकी सबसे पहले एक स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
चेंज इन कैनेटिक एनर्जी, ये इसकी एक डेफिनेशन है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो बेटे इसका सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इसका मैथमेटिकल क्या है, ठीक है ना, उसका प्रूफ तो बाद में करेंगे ना, पहले तो इसको पता हो कि वर्क डन का आपको पता है डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन आपको पता क्या होता है, एफ डी, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 एम वी एफ स्क्वेयर माइनस एम वी आई स्क्वेयर, ठीक है बेटे। तो ये हम अब इसका करेंगे प्रूफ। तो बेटा जी आपको सिंपली पता है, कहते हैं कंसीडर, लेट अस कंसीडर, फर्ज किया हमने एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ओके बेटे, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी बिकम वी एफ बाय कवर सम डिस्टेंस डी, डिस्प्लेसमेंट डी, ओके बच्चों, ठीक है, हाँ जी। तो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, टाइम टी के बाद वेलोसिटी फाइनल हो गया और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है बेटे, हाँ जी। तो एज वी नो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2a ऐसा हमने पढ़ा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं d को, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ओके बेटे। अब अगली बात, यहाँ से आप वैल्यू ले लें किसकी, d की, तो 2a इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना बच्चों, वी एफ स्क्वेयर माइनस, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लिखो या इधर सेपरेट, एक ही बात है। अब ये एक इक्वेशन है आपकी, एक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ न्यूटन सेकंड लॉ एफ इजिकल टू एम ए, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स लगी है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है ना बेटे, हाँ। तो ये दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू, जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, एफ डी आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये हमारा एम ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 1/2 वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये देखें बेटे, ए ए से कैंसिल, तो और एम अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 एम वी एफ स्क्वेयर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वेयर। तो ये हमारा एफ डी किसके इक्वल है बच्चों, वर्क डन के। तो हैंस प्रूफ, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे, हाँ जी। अगर कोई प्रीवियस टॉपिक समझना हो वो भी मेरी प्लेलिस्ट 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई और फर्दर टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।